आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में तो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है हमारी एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का टाइप है जिसको जो है हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के टास्क के लिए यूज़ करते हैं अब एस जो होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन ये जो है हमारी बेस्ट पॉसिबल बाउंड्री को फाइंड आउट करता है बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस इन द डेटा यानी कि इसके अंदर जो है जब हम हमारे डेटा को क्लासिफाई करते हैं यानी कि क्लासेस के अंदर जब हम हमारे डेटा को डिवाइड करते हैं वो जो डेटा की क्लासेस है उसको डिवाइड करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल बाउंड्री होगी बेस्ट फिट बाउंड्री होगी उसको जो है हमारा एस फाइंड करने में यूज आता है और ये जो है बेसिकली आपका एक हाइपर प्लेन को जनरेट करता है जो कि मैक्सिमाइज कर देता है मार्जिन को बिटवीन द टू क्लासेस यानी कि जब दो क्लासेस के अंदर आपका डेटा पॉइंट जो है वो प्लॉट होंगे विजुलाइज होंगे तो उन दोनों क्लासेस के बीच में में जो मार्जिन लाइन आएगी जो आपकी बाउंड्री लाइन आएगी जो बेसिकली दोनों डेटा जो डिवाइड हो रहा है क्लासेस में उनको जो सेपरेट करेगी वो जो पॉसिबल बाउंड्री है उसको जो है वो हाइपर प्लेन की हेल्प से जो है वो डिवाइड कर देता है और मार्जिन को जो है मैक्सिमाइज कर देता है ताकि हमारे लिए मशीन के लिए जो है उन डेटा पॉइंट्स को उन क्लासेस को डिफ्रेंशिएट करना सेग्रीगेट करना ईज़िली हो जाए और हम ईज़िली समझ पाए मशीन ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाए कि ये जो दोनों डेटा पॉइंट्स है या फिर ये जो मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है ये डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो ये जो डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिनको मैं बोल रहा हूँ कि हमारे डेटा सेट में जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो जब विजुअलाइज़ होंगे क्लासेस की फॉर्म में तो उन डेटा पॉइंट को जो है हम सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम के अंदर एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं जो कि हाई डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो है रिप्रेजेंट होता है तो उन डेटा पॉइंट्स को हम जो है वेक्टर के नाम से जानते हैं हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम के अंदर जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या फिर वहाँ पे विजुलाइज़ किए जाते हैं अब जो हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम है ये बेसिकली कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर यूज़ की जाती है अब इमेज रिकगनेशन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और बायो इन्फोमेट्रिक्स अब ये तीनों वो एप्लीकेशंस हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इन तीनों एप्लीकेशंस के अंदर जो है हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है चाहे वो इमेज रिकगनीशन की बात करें या फिर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें दोनों में जो है अगर मैं एग्जांपल लूँ इमेज रिकोगशन का तो यहाँ पर सपोज मेरे पास एक डेटा सेट है कैट का और डॉग के इमेज़ का और मुझे मेरी मशीन को लर्न कराना है मुझे मेरी मशीन को ट्रेन कराना है कि वो इमेज को रिकगनाइज़ कर पाए कि कौन सी इमेज कैट की है और कौन सी इमेज डॉग की है तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है पैटर्न एक्सट्रैक्शन होता है फीचर एक्सट्रैक्शन का वर्क जो है वो यूज होता है और वो सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम जो है यहाँ पे यूज करती है और वो क्या करती है इमेज को क्लासीफाई कर देती है और एक हाइपर प्लेन को जनरेट कर देती है जो बेसिकली आपको शो करता है कि ये राइट right साइड की जो इमेज हैं वो हमारी डिफरेंट क्लास से बिलोंग करती है और लेफ़्ट क्लास की जो इमेजेस है वो हमारी डिफरेंट इमेजेस को या मैं बोल सकता हूँ डिफरेंट क्लास को बिलोंग करती है अब आप इसको जो है यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारा हाई डायमेंशनल स्पेस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है जिसके अंदर दो एक्सिस है हमारी एक्स वन और एक्स टू ये दो एक्सेस जो है हमारे यहाँ पे प्लॉट है जो कि हमारे डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर रही है टू तो डी डायमेंशंस में अब यहाँ पे आप देखेंगे दो डिफरेंट क्लासेस है एक है हमारी डायमंड बॉक्सेस जो बने हुए हैं ये क्लासेस जो है हमारी ब्लू कलर से डिनोट की गई है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे हमारी सर्कल की कुछ क्लासेस है जो कि ग्रीन कलर से डिनोट की गई हैं और एस क्या करता है ये जो सेंटर में आप ये लाइन देख पा रहे हैं ये तीन लाइन इन तीनों को बोलते हैं हाइपर प्लेन तो ये बेसिकली जो है सेंटर जो लाइन है इसको हम बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन लाइन तो ये ध्यान से अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है मैक्सिमम मार्जिन यानी कि वो मैक्सिमम एरिया कवर कर रही है जिससे हम नेक्स्ट जो भी हमारा डेटा पॉइंट होगा नेक्स्ट जो भी हमारा इनपुट होगा इस लाइन की हेल्प से जो है हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है कि कौन सा डेटा पॉइंट जो है कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा क्या वो डायमंड क्लास से बिलोंग करेगा या फिर वो सर्कल क्लास से बिलोंग करेगा तो इसके अंदर जो है हमारे कुछ टर्म्स हैं जो कि टेक्निकली यूज़ की जाती है अभी जो डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं चाहे वो डायमंड के हो चाहे या फिर वो वो सर्कल के इन डेटा पॉइंट्स को हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स जैसे कि मैंने अभी आपको स्लाइड में भी बताया था कि डेटा पॉइंट्स को जो हम एज ए वैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये डेटा पॉइंट्स हम बोलेंगे सपोर्ट वैक्टर जो कि सपोर्ट वैक्टर के अंदर हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई पॉइंट्स अब सेंटर लाइन जो है इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन तो इसका मतलब है ये जो हाइपर प्लेन है यानी ये जो लाइन है ये बेसिकली आपकी सेंटर लाइन है जो कि एग्जैक्टली exactly वो लाइन है जहां से दोनों जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर हैं हमारे डिफरेंट क्लासेस के उनकी ये जो है बिल्कुल सेंटर में आती है और उसके लेफ्ट साइड में जो लाइन होगी ये जो लाइन है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे कर्सर पे, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाइपर प्लेन और इसके राइट साइड में जो भी हमारी लाइन होगी उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइपर प्लेन तो जैसे कि जनरली हम मैथमेटिक्स में कोई भी ग्राफ को डिनोट करते हैं कोई भी ग्राफ को विजुलाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है जीरो जो होता है हमारा वो हमारा नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव पॉइंट होता है और अगर वो जीरो के राइट right साइड अगर हम मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव प्लेन और लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव प्लेन तो सिमिलरली यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स पॉजिटिव हाइपर प्लेन नेगेटिव हाइपर प्लेन मैक्सिमम मार्जिन मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन सपोर्ट वैक्टर अब एज ए बिगनर आप इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स को देख के टेक्निकल टर्म्स को देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं बट अगर आपने इस वीडियो को पूरा फोकस से ध्यान से स्टार्टिंग से देखा है तो मैंने इतना ईजी टर्म्स में लेमन लैंग्वेज में जो आपको है सपोर्ट वैक्टर मशीन के बारे में समझाया है और इजीली एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली टेक्निकल टर्म्स कुछ नहीं है जस्ट हमारा विजुलाइजेशन का एक पार्ट है जो कि हमारी डिफरेंट क्लासेस को हमारी रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की जो एल्गोरिदम्स हैं उनके अंदर से डिफरेंट क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है तो ये जो है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन का कंप्लीट टॉपिक है जहाँ पे जो है हमने बेसिकली इतना समझा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है हमारी बेस्ट पॉसिबल बाउंड्री को फ़ाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है और जिन लाइंस को मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ ये जो है हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन की कि ये जो है हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारे रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो भी टास्क होते हैं उनके अंदर हम क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं और क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हम एक बेस्ट पॉसिबल बाउंड्री लाइन या फिर बेस्ट पॉसिबल एक हाइपर प्लेन चाहिए होता है जो कि दोनों क्लासेस के मार्जिन को डिफ्रेंशिएट कर सके और किसी नए इनपुट के लिए जो है हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम मशीन से उस इनपुट का आउटपुट प्रिडिक्ट करवाएं तो वो ईजिली प्रिडिक्ट कर सके थैंक यू